बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। नाज़रीन कराम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बज़्म शायरी। नाज़रीन, जैसा कि आपके इल्म में है कि हमारे प्रोग्राम बज़्म शायरी में दुनिया उर्दू की उन मुमताज़ शख्सियात को मधु किया जाता है कि जिनका बराए रास्त ताल्लुक अदब तख्लीक करने से होता है। इसी ताल्लुक से आज हमारे मुल्क का एक बहुत बड़ा नाम, दुनिया उर्दू का एक बहुत बड़ा नाम, एक ऐसी शख्सियत कि जिन्होंने अपने इल्म के प्रचार में और अपने यानी अपने आप को नुमाया करने में उन्होंने कोई काविशात नहीं की, बल्कि उन्होंने सिर्फ काम किया, जिसे हम कहते हैं एक जेनमन, एक लिखने पढ़ने वाले शख्स का जो काम होता है, उस शख्स ने वो काम किया। वो ऐसा नहीं कि दुनिया से गाफिल रहे, लेकिन अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा उन्होंने सर्फ किया तख्लीक अदब में। कई कुतुब उनकी पज़ीराई हासिल कर चुकी हैं, कई शेरी मजमूए, नसर के ताल्लुक से बहुत सा काम, और मैं आपके इल्म में ये बात लाना ज़रूरी समझता हूँ कि ऐसे अशख़ास वाकई काबिल फ़ख्र हैं कि वो हमारे शहर में हैं, हमारे मुल्क में हैं, और यही वो शख्सियात हैं कि जो अदब तख्लीक इसलिए नहीं करते कि उन्हें मुशायरों में मधु किया जाए, और ना तो वो वाह वाह और दाद के जो है उन्हें कोई भूख है, उन्हें भूख है तो ये कि अल्लाह पाक उनके कलम में ताकत रखें और वो अदब तख्लीक करते रहें। इसी तरह आज हमारे बज़्म में मेरे लिए काबिल फ़ख्र है ये बात कि वो अपने इंतहाई कीमती वक्त में से वक्त निकाल कर आज हमारी बज़्म का हिस्सा बने। हमारे साथ मौजूद हैं बेबदल शायर राना महमूद कैसर। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका राना साहब कि आप, मैं जैसा कि अर्ज़ किया कि इंतहाई कीमती वक्त में से आप हमारी दरख्वास्त पर वक्त निकाल कर बज़्म शायरी का हिस्सा बने। मैं अपनी तमाम टीम की जानिब से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, अपने चैनल मेट्रो वन न्यूज़ चैनल के CEO आमिर मसूद शेख साहब की जानिब से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं। आपकी इनायत, आपने मुझे यहाँ मधु किया, और मेट्रो चैनल और आपकी खिदमात अदब के लिए बेबहा हैं माशाल्लाह। इससे बहुत से जो पोशीदा गुहर थे वो सामने आए हैं, और ये बहुत अच्छी काविश है कि आप इस तरीके से लोगों को रोशनास करा रहे हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं बारहा राना साहब ये बात अपने उन तमाम सामईन की समातों तक मुंतकिल करने की जिसारत करता हूँ, बारहा ये कहता हूँ कि ये काविशात, ये फरोग़ अदब की काविशात और ये बज़्म शायरी को 15 बरस से लेकर चलना, ये सिर्फ हमारे CEO जिनका ताल्लुक़ ख़ुद इल्मी अदबी घराने से है, ये उनकी मोहब्बतें हैं कि उनके सबब से ये प्रोग्राम कायम है। वाकई काम है, बहुत बड़ा काम है ये। बहुत शुक्रिया। तो रान साहब, अगर आप इजाज़त दीजिए तो मैं यूं ही कोई सवाल कायम करने की जिसारत करूँ, खा के हम आपकी गुफ्तगू से, आपकी शायरी से इस्तिफादा करेंगे, और हमारे लिए बहुत शरफ़ की बात है कि आप यहाँ मौजूद हैं। रान साहब, हमने देखा है कि वो अहबाब जिनकी शेरी उम्र साल, दो साल, तीन साल होती है, उन्होंने शहर का जीना हराम किया होता है। मैं शायर, मैं शायर, मैं मीर, मैं गालिब, मैं फलां, मैं फलां। क्या सबब है कि जब राणा साहब, राना महमूद कैसर साहब जब अपना तख्लीकी सफ़र जारी रखे हुए हैं और बहुत खामोशी से, ना उन्हें कोई मुशायरों की फ़िक्र है, ना तकरीबात की फ़िक्र है, कौन उन्हें बुला रहा है, कौन नहीं बुला रहा, इससे बेसरोकार बिल्कुल वो अपनी तमाम एनर्जी, तमाम तर तवज्जो उन्होंने तख्लीकात पर रखी हुई हैं, तो अपने पहले तो अगर नागवार ना गुजरे तो ये मेरी ज़िम्मेदारी थी, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि अपनी किताब के सरवरक आप ज़रूर दिखाएं आपसे मोहब्बत करने वालों को, और ये भी बताइए कि कितनी किताबें आपकी आ चुकी हैं। मेरी इस वक्त तक 10 किताबें शाया हो चुकी हैं, जिसमें सबसे पहले जो शाया हुई थी वो मेरे उस्ताद अज़फ़र ज़ैदी के मुतालिक थी, उसमें अज़फ़र ज़ैदी और उनके तज़किरे शामिल थे। उसके बाद गुलशन अकीदत, फिर मेरा ये 2016 में हिंसों के दरमियाँ शेरी मजमूआ, हिंसों के दरमियाँ, बहुत अच्छे। उसके बाद ये नसर निगारी जो मजामीन थे मेरे, ये है अदबी जमालियात, इसमें मुख्तलिफ मजामीन शामिल हैं जो अदबी भी हैं और तबाजात भी। बहुत अच्छे।
ये मेरा हसन हमीदी अहवाल व आसार बहवाला तरक्की पसंद तहरीक, ये मेरा एमफिल का मकाला है, ये नसर निगारी में कराची यूनिवर्सिटी से। ये शेरी मजमुआ हिजरे नातमाम वाह, और तकदीसी अदब के हवाले से मेरी जस्तजू मदीना, बहुत ये नातिया हमदिया और मनाकिब है। फिर एक शेरी मजमुआ है उम्मीद सहारा देती है, क्या कहने क्या कहने, वाह। अरबाब किरतास व कलम, ये मजामीन का मजमुआ है। और आगही, ये भी एक मजामीन का मजमुआ है, गोया ये नसर और नज़म दोनों की। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। नाज़रीन कराम, ये हैं हमारे मेहमान राना महमूद कैसर, जो अपने किताब के सरवरक आपकी निगाहों तक पहुंचा रहे थे। और जैसा कि मैंने आगाज़ में राना साहब के ताल्लुक़ से आपकी समाधों तक मुंतकिल किया कि उन शख्सियात की हमारे शहर में कतन कमी नहीं है जो सिर्फ अदब पर अपनी तमाम तर तवज्जो जो है मरकूज़ किए हुए हैं, और वो अपनी तख्लीकी सलाहियतों को रायगा नहीं जाने दे रहे, उन्हें कुतुब की शक्ल में आपके और हमारे हाथों तक पहुंचा रहे हैं। राना साहब बहुत शुक्रिया, ये मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं किताब के सरवरक आपके चाहने वालों तक पहुंचाता, माफ़ कीजिएगा। सो मेरा आपने हाथ बटाया, मेरी जिम्मेदारी बटाई, इसके लिए मैं आपका मुतशक्किर हूँ। राना साहब, कैसे सफ़र शुरू हुआ तख्लीकात का, अदब का, शायरी का, शायरी आपकी जानिब आई या आपकी शायरी की जानिब बढ़े? ये मेरे वाले साहब साहिब अदब भी थे और साहिब शगफ भी थे, उन्होंने पानीपत से कुरान करीम हिफ्स करने के बाद दरस निज़ामी की तालीम हासिल की और फिर हिजरत करके पडीदन शहर ज़िला नुशर व फिरोज़ में आबाद हुए। अच्छा। मेरी पैदाइश भी वहीं की है, और वक्तन फवक्तन किसी न किसी मौजू पे वो दर्स दिया करते थे, और मैंने उनकी किताबों में कुछ शेरी निगारिशात भी देखी। अच्छा, वाह। 1974 या 73 के करीब मैं नवाबशाह डिग्री कॉलेज गया अपने एक अजीज़ के साथ, मकसूद मिलना था फरीद जावेद से। अच्छा। तो फरीद जावेद से हम मिले, उन्होंने कहा बेटा ये तुम्हारा सन शायरी का नहीं है, तालीम पर तवज्जो दो। वाह। तो जब डिग्री कॉलेज नवाबशाह पहुँचे फर्स्ट ईयर में तो उनका ट्रांसफ़र हो चुका था, शेरी शगफ चूँकि था, लाइब्रेरी में बैठना और फिर जो इब्तदाई सफ़र है जी जी, वो 1974-75 से शुरू हुआ। और ज़िंदगी का सफ़र जब फिर कराची ले आया तो यहाँ उस्ताद मोहतरम असफर जैदी साहब से मुलाकात हुई, जिन्होंने इस ज़ौक शौक को निखारा। बहुत अच्छा। और अल्हम्दुलिल्लाह ये 74-75 से सफ़र जारी है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये आपका ताज़ा मजमुआ है गालिबन राना साहब? मेरा ताज़ा जो है राना खालिद हिजरे नातमाम है। अच्छा जी जी। तो हम तो ये चाहेंगे, चूँकि आपकी काविशात इस कदर हैं कि मुझे तो लगता है कि एक प्रोग्राम वो कम पढ़ेगा आपसे गुफ्तगू का भी और आपसे कलाम भी समाप्त करने में, तो हम ये चाहेंगे कि आपको एक बार और ज़हमत देंगे और हम चाहेंगे तादेर आपसे गुफ्तगू भी करें। तो राना साहब, हम अगर ये चाहें कि कुछ जैसे अभी हम आपसे कलाम भी सुनते हैं, और मैं ये भी जानना चाहूँगा कि शहर की मौजूदा अदबी सूरत हाल को राना खालिद महमूद किस तरह से देखते हैं, अदबी मंजरनामे को किस तरह से देखते हैं कराची के? देखिए, अदबी मंजरनामा तो रमा दमा है, जो ज़रूरत है और जो हम फ़क्दान महसूस कर रहे हैं वो ये हैं कि सिखाने वाले नहीं रहे, तरबियत नहीं हो रही। और वो किसी दौर में सुना करते थे कि सादा कागज़ पे जो इस्लाह हुआ करती थी। बिल्कुल। तो ज़रूरत इस बात की है कि हम लोगों की तरबियत करें। बहुत अच्छी बात है, बहुत खूबसूरत आपने बात कही। किसी है? को सिर्फ मुतशायर कहने से हाँ। बात नहीं बनेगी। बिल्कुल ठीक। उनको है। हम धारे में लाएं, उन्हें स्पेस दें, सिखाएं। बहुत अच्छी बात। उनकी रहनुमाई करें, उनकी तरबियत करें, ताकि वो आइंदा वक्तों में वो भी असातजा की सनत
पाए। बिल्कुल, बहुत अच्छे। बल्कि मैं तो यहाँ एक बात कहूँगा कि लुगत में इस लफ्ज़ का इस्तेमाल किया गया मुताशायर का, लेकिन आप यकीन जानें कि हम जिन मानों में मुताशायर का इस्तेमाल करते हैं वो बिल्कुल कतन गलत करते हैं। उसमें एक आ गया है कि जो शायर ना हो और ख़ुद को शायर समझे वो मुताशायर है। अच्छा, जो शायर नहीं है और वो कलाम लेकर पढ़ रहा है वो चोर है, वो मुताशायर नहीं है। जी जी जी, वो चोर है, वो फरेब दे रहा है आपको। असल में मुताशायर, जो मैं बड़ी माजरत के साथ कहूँ कि बकौल जॉन भाई के, मुताशायर वो है कि हम नसरी जो नज्म है उसे हम शायरी की सिंफ में नहीं लेते। उसूली तौर पे हम नहीं समझते, शायरी के कुछ औजान हैं, उसमें रहते हुए अगर आप कुछ कहते हैं तो वो शायरी है। तो वो बेचारे शायर नहीं हैं, वो खुद को शायर समझ रहे हैं। तो मुताशायर का लफ्ज़, बड़ी माजरत के साथ मैं दिल शिकनी के लिए नहीं कह रहा, ये उनके लिए और ये बड़ा अहम लफ्ज़ है। और बहरहाल ये बातें तो होती रहेंगी। और ये बड़ी आपने खूबसूरत निशानदेही की कि असल में हमें नौजवानों की तरबियत की ज़रूरत है। देखिए, हम ये देखते हैं कि उस्ताद शागिर्द का रिश्ता जिस तरह से ख़त्म होता जा रहा है, अब नापैद होकर रह गया है कि आप जितने हमारे सीनियर शौरा देख लें मौजूदा, उनका कोई शागिर्द नहीं है। वो बेचारे अपनी जंग लड़ लें, अपनी बका की जंग लड़ लें, अपनी सदारतों की जंग लड़ लें। तो तरबियत देखें ना, तरबियत तो आप तभी करेंगे जब आप मुखलिस होंगे इस बात से कि हाँ, मेरे खुदा ना खास्ता मेरे बाद शहर का मंजरनामा क्या होगा। और बहुत अच्छी बात है। और जब हम अदबी हवाले से बात करते हैं, उस्ताद राग़िब मुरादाबादी, क्या बड़ा नाम, वाह बेशक, स्कूल ऑफ थॉट, बिल्कुल, उनके जब शागिर्दों की बात होती है तो चंद नाम सामने आते हैं, बिल्कुल। और जब लेकिन लोग कहते हैं कि सैकड़ों उनसे लोग इस्लाह लेते थे। बिल्कुल ऐसे ही। और राग़िब साहब के बात तो ये भी सुनने में आया कि मतलब उनके साथ 200-250 शायर तो वैसे ही इंतकाल कर गए थे उनके इंतकाल के बाद। जो उनके होते हुए तो शायर थे, लेकिन उसके बाद वो मंजर पर नहीं रहे। लेकिन ये कि हम तो ये चाहते हैं कि वो जो 2% भी शेर कह रहा है, ज़रूरी नहीं कि वो 100% शेर कह रहा है, अगर उसमें एक चीज़ है और उसकी ख्वाहिश है कि वो शायरी करे, तो यकीनन हमें स्पेस देना चाहिए। जी बिल्कुल। और जी उसकी तरबियत करना चाहिए, ना कि ये कि हम खाली वर्क पे जो इस्लाह और गज़ल दे दें और नज़्म दे दें और कहें जी पढ़ लें आप शायर हो गए। इससे मामला हल नहीं होंगे, आपको प्रॉपर जो है तरबियत करना होगी। ऐसे यही मफहूम है ग़ालिबन बिल्कुल गुफ्तगू का। मैं एक अर्ज़ करूँ कि मेरा ताल्लुक नवाब शाह बड़ीदन से है। पसमानदा इलाका था वो, जब कराची पहुँचे तो एहसास हुआ कि इल्म व अदब क्या है। नवाब शाह में भी बहुत अच्छे शोरा थे, लेकिन वो चूंकि मैं वहाँ तालिब इल्म था उस अंदाज से उसमें हिस्सा नहीं ले सका, लेकिन कराची आके पता चला कि अदबी मंजरनामा है क्या। वाह, यहाँ के तरही मुशायरे, यहाँ की अदबी नशस्तें, वाकई जो असातिज़ा थे उनकी खिदमात लायक सताइश हैं कि उन्होंने एक नर्सरी ऐसी पैदा की कि जो अब इस वक्त उस्तादों के रूप में है वो लोग। वाह, बहुत अच्छी बात है। तो राणा साहब, हम तो ये चाहते हैं कि इतनी खूबसूरत आप गुफ्तगू फरमा रहे हैं, और हम ये भी चाहेंगे कि आपसे अशार भी समात करें, और ये भी जानना चाहेंगे कि जैसा कि आपने ज़िक्र किया कि कराची का अदबी मंजरनामा, तो मजमूई तौर पर आप कराची के अदबी मंजरनामे से मुतमईन दिखाई देते हैं। देखिए, इत्मीनान तो इंसान को किसी भी सतह पर नहीं होता, हमेशा अच्छे से अच्छे जस्तजू में रहता है, लेकिन कराची का अदबी मंजरनामा एतबार का हामिल है। वाह, मैं ये अर्ज़ करूँगा कि कराची में जो अदब तख्लीक हो रहा है, बशमूल पाकिस्तान में लाहौर और दीगर जो बड़े शहर हैं उनमें अदब वाकई बहुत अच्छा तख्लीक हो रहा है, लेकिन कराची में जो अदब तख्लीक हुआ है वो किसी से कम नहीं है। बिल्कुल ठीक है, किसी बिल्कुल, से कम, इसमें कोई शक नहीं है। और मेरा ये ख्याल है कि आज भी दुनिया भर के शोरा कराची के मुशायरों में शिरकत करना बायसे फ़ख्र समझते हैं, और ये शहर है ना, इसमें और बायसे फ़ख्र है उनके लिए बात। हम तो दुनिया भर से चूंकि रबते में रहते हैं, तो उनकी ख्वाहिश ही होती है कि वहाँ की तकरीबात में मदू किया जाए। और ये बिला शुबा ये हमारे जो
वो संजीदा बुजुर्ग थे जिन्होंने अदब तख्लीक किया और आज कराची को इस मुकाम तक पहुँचाया कि वो पाकिस्तान में सर फहरिस्त है, और ये हमारे लिए फख्र का बाई से फख्र है, ये बात है ना। तो अच्छा, हमने ये देखा खालिद भाई कि तकरीबात में हमने कम कम आपको देखा, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं देखा, लेकिन बहुत सिलेक्टेड जो है तकरीबात उसमें देखा, और मुशायरों की दौड़ में आपको उस तरह नहीं देखा जिस तरह से शौरा आजकल पढ़े हुए हैं उसमें। देखिए, मैं जब मेरे जो उस्ताद हैं असफर जैदी साहब, उनके साथ उन्होंने जब उर्दू लिटरेरी एसोसिएशन की दाग बेल डाली थी तो उसके जो अदबी नशस्तें होती थी मैं वहाँ शरीक रहा। उसके बाद बज़्म हमीद एक तरबियत का ही नाम था जी जी। उसके अक्सर मुशायरों में मैं शरीक रहा। उसके बाद फिर मेरा जो ज़रिया माश है वो बैंकिंग की जानिब मुंतकल हुआ, तो फिर मुझे टाइम कम मिलता था, तो मैंने अपने कैरियर पे तवज्जो दी, साथ साथ अदब भी तख्लीक होता रहा और कम जाता था। वाकई आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, मैं कम जाता था। अब भी मेरी जो है वो शिरकत बहुत कम है मुशायरों में। बहुत अच्छी बात है। राज साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं, आपकी इजाज़त से हम एक वक्फे पर जा रहे हैं, वक्फे से हाजिर होकर आपको जहमत देंगे, आपसे कलाम समाप्त करेंगे। नाज़रीन कराम, राना खालिद महमूद कैसर साहब खूबसूरत गुफ्तगू फरमा रहे थे, हमारे साथ मौजूद हैं, इस वक्त हम एक वक्फे पर जा रहे हैं, वक्फे से हाजिर होकर राना साहब को जहमत कलाम देंगे। नाज़रीन कराम, हम वक्फे से दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हो चुके हैं, हमारे साथ मौजूद हैं राना महमूद कैसर साहब, जो वक्फे पर जाने से कबल खूबसूरत गुफ्तगू आपकी समातों तक मुंतकिल कर रहे थे। चूँकि उनका तख्लीकी काम इतना ज़्यादा है कि हम ये चाहते हैं कि गुफ्तगू आइंदा नशिस्त में रखी जाएगी, और उनसे हम ये चाहेंगे, दरख्वास्त गुजार होंगे कि उनका शेरी कलाम भी आपकी समातों तक मुंतकिल, उनसे कहें कि वो आपकी समातों तक मुंतकिल करें। राना साहब, अगर नागवान ना गुजरे तो कुछ अशार पेश कीजिए, कोई गज़ल नज़्म जो आप बेहतर समझें। मैं इब्तदा अपनी हम्द के दो अशार से करता हूं। ज़रूर ज़रूर कि सुबह होती है खुदा के नाम से, सुबह होती है खुदा के नाम से दिन गुजरता है बहुत आराम से। बहुत अच्छे साहब, क्या कहने। सुबह होती है खुदा के नाम से, दिन गुजरता है बहुत आराम से, और जब भरोसा है खुदा की ज़ात पर, क्या कहने जब भरोसा है खुदा की ज़ात पर, क्यों डरूं मैं गर्दिशे अय्याम से। क्या कहने साहब, क्यों डरूं मैं गर्दिशे अय्याम से। वाह। और नात के दो शेर जी आता कि लाजिम है दिल उसका अकीदत से भरा हो, लाजिम है दिल उसका अकीदत से भरा हो, वो साहेब ईमां जो मदीने में गया हो। क्या कहने वो साहेब ईमां जो मदीने में गया हो। और अकमल है मोहब्बत में सदाकत में वफा में। क्या कहने है मोहब्बत में सदाकत में वफा में, वो जिसके ख्यालात में महबूब खुदा हो। क्या कहने, वो जिसके ख्यालात में महबूब खुदा हो। वाह। और गजल जी जी इंशाल्लाह मतला अर्ज आता कीजिए कि खुलूस दिल की मुकम्मल किताब क्या कहना। वाह। खुलूस दिल की मुकम्मल किताब क्या कहना, हुजूर आपका हुस्नो शबाब क्या कहने वाह। हुजूर आपका वाह हुस्नो शबाब क्या कहना, और गुजर ही जाएंगे दिन इस तराब में लेकिन। वाह। गुजर ही जाएंगे दिन इस तराब में लेकिन, रहेगा तिश्ना ताबीर ख्वाब क्या कहना। बहुत अच्छे। और नजर उठा के वो देखे तो बात बन जाए। आहा। नजर उठा के वो देखे तो बात बन जाए मगर ए कल्ब किसी का हिजाब क्या कहना। क्या बात है साहब, क्या बात। और तुम्हारे वास्ते हर काम का सवाब सही, तुम्हारे वास्ते हर काम का सवाब सही, हमारे वास्ते गम का अजाब क्या कहना। बहुत अच्छे। हमारे वास्ते अदीब का इस्तेमाल किया आपने। हमारे वास्ते गम का अजाब क्या कहना, और किसी की आरजू है मैं कशी से तौबा कर, किसी की आरजू है मैं कशी से तौबा कर, किसी की आरजू है मैं कशी से तौबा कर, नजर के सामने जामे शराब
क्या कहना, क्या कहना? नजर के सामने जामे शराब क्या कहना, वो बेनकाब थे गुलशन में देखिए कैसर। वो बेनकाब थे गुलशन में देखिए कैसर, सो मुझको देख के डाला नकाब। क्या कहना बहुत अच्छे। और खुलूस दिल की मुकम्मल किताब क्या कहना, हुजूर आपका हुस्नो शबाब क्या कहना। बहुत अच्छे, क्या खूबसूरत आपने रदीफ का इस्तेमाल किया और खूबसूरत कलाम पेश कर रहे हैं आप। ये एक तरह गजल है। जी अता कीजिए। कि उसको कुछ मेरी खबर है कि नहीं देख तो लूं, उसको कुछ मेरी खबर है कि नहीं देख तो लूं, मेरे नालों में असर है कि नहीं देख तो लूं। क्या कहने। और जिंदगी किस लिए बेताब हुई जाती है, जिंदगी किस लिए बेताब हुई जाती है, मेरे दिल पर वो नजर है कि नहीं देख तो लूं। वाह। एक उम्मीद पे जीता हूँ कि मंजिल मिल जाए। एक उम्मीद पे जीता हूँ कि मंजिल मिल जाए, अपनी किस्मत में सफर है कि नहीं देख तो लूं। वाह। अपनी किस्मत में सफर है कि नहीं देख तो लूं, और अपनी हस्ती को मिटाया है वफाएं करके। अपनी हस्ती को मिटाया है वफाएं करके, कुछ वफाओं का समर है कि नहीं देख तो लूं। वाह। और सब के सब इश्क मोहब्बत को हवा देते हैं, सब के सब इश्क मोहब्बत को हवा देते हैं। मेरा दिल मेरा जिगर है कि नहीं बहुत अच्छे। क्या कहने कैसर साहब, वाह। सब के सब इश्क को मोहब्बत को हवा देते हैं, मेरा दिल मेरा जिगर है कि नहीं देख तो लूं। और कहकशां वालों से पूछूंगा किसी दिन जाकर, कहकशां वालों से पूछूंगा किसी दिन जाकर, उसकी नजरों में बशर है के नहीं देख तो लूं। बहुत अच्छे कैसर साहब, क्या उसकी नजरों में बशर है के नहीं देख तो लूं। आज सहरा से चला जाऊं मैं घर को कैसर, आज सहरा से चला जाऊं मैं घर को कैसर, रौनके शाम सहर है के नहीं देख तो लूं। क्या कहने उसको कुछ मेरी खबर है के नहीं देख तो लूं, मेरे नालों में असर है कि नहीं देख तो लूं। बहुत अच्छे साहब, मुझे तो बहुत ही अच्छा आपका कलाम लगा जो आपने अब तक पेश किया। और मुझे जो इसमें खूबसूरत बात दिखाई दी वो ये कि आपने रदीफों पर काम किया है और खूबसूरत रदीफ का इस्तेमाल बहुत है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ नई रदीफ लाएँ बल्कि आपने उस रदीफ को बढ़ता भी बड़े सलीके से। जी खूबसूरत। कुछ और कलाम अता कीजिए। मतला अर्ज करूँगा कि दर्द के सब काम राजी बर अजा हो जाएंगे। वाह। दर्द के सब काम राजी बर अजा हो जाएंगे। क्या करोगे तुम अगर हम भी खफा हो जाएंगे। और बेरुखी से हम तेरी बेआसरा हो जाएंगे। बेआसरा हो जाएंगे। तेरी नजरों में समाकर क्या से क्या हो जाएंगे। बहुत अच्छे। तेरी नजरों में समाकर क्या से क्या हो जाएंगे। और हम तो बज़्म-ए-नाज़ में अंजाम से थे बेखबर। क्या खबर थी आप इतने बावफा हो जाएंगे। बेवफा हो जाएंगे। वाह। और दूसरा शेर है कि क्या तुम्हारी एक नजर को बेनियाजी चाहिए। ये धड़कते कल्ब सारे बेसदा हो जाएंगे। और इनकलाब आरजू ये वक्त भी आने तो दे, बेवफा हो जाएं हम वो बावफा हो जाएं। बहुत अच्छे। बेवफा हो जाएं हम वो बावफा हो जाएंगे। और इंतहाए इश्क में तो हुस्न का अंजाम देख। इंतहाए इश्क में तो हुस्न का अंजाम देख। फर्ज अव्वल फर्ज आखिर सब अदा हो जाएंगे। बहुत अच्छे। फर्ज अव्वल फर्ज आखिर सब अदा हो जाएंगे।
और बेनियाजी दोस्तों के वास्ते बेहतर नहीं। आहा। बेनियाजी दोस्तों के वास्ते बेहतर नहीं, दोस्ती के दायरे से भी जुदा हो जाएंगे। बहुत अच्छे, दोस्ती अच्छे। के दायरे से भी जुदा हो जाएंगे। उस ये शेर खास तौर पे एक हासिल कलाम कह लो, जी जी अता कीजिए। जिस घड़ी इंसान का इंसान आसरा हो जाएगा, जिस घड़ी इंसान का आखिर जिस घड़ी इंसान का इंसान आसरा हो जाएगा, ऐ खुदा तू ही बता हम क्या से क्या हो जाएंगे। बहुत अच्छे, फिर ज़हमत कीजिए। जिस घड़ी इंसान का इंसान आसरा हो जाएगा, ऐ खुदा तू ही बता हम क्या से क्या हो जाएंगे। बहुत अच्छे, ऐ खुदा तू ही बता हम क्या से क्या हो जाएंगे। क्या कहने मख्तार जी के, याद रख कैसर के अहकाम इलाही छोड़कर। वाह, याद रख कैसर के अहकाम इलाही छोड़कर, काम दुनिया के बअंदाजे सजा हो जाएंगे। वाह 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 वाह, काम दुनिया के बअंदाजे सजा हो जाएंगे, और दर्द के सब काम राजी बरअज़ा हो जाएंगे। वाह, बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छे भाई। आप कलाम पढ़े जाएं, खूबसूरत कलाम पेश कर रहे हैं, और जी चाहता है कि बस बार बार आपसे कलाम समाप्त किया जाए। जी हजरत। ए नसीम, आज तो कुछ दोशे हवा पर लिखता। वाह। ए नसीम, आज तो कुछ दोशे हवा पर लिखता, उसका क्या हाल हुआ मुझसे बिछड़ कर लिखना। बहुत अच्छे, वाह। उसका क्या हाल हुआ मुझसे बिछड़ कर लिखता, और अच्छे खासे भले इंसान को कलंदर लिखता। अच्छे खासे भले इंसान को कलंदर लिखना, कितनी तोहीन है हीरे को भी पत्थर लिखना। भाई बहुत अच्छे कैसर, कितनी बहुत कितनी अच्छे। तोहीन है हीरे को भी पत्थर लिखना, और मैं कदे वालो जमाने की रविश को परखो। मैं कदे वालो जमाने की रविश को परखो, गर्दिशे दौर को भी मीनाओ सागर लिखना। गर्दिशे दौर को भी मीनाओ सागर लिखना, और हसरतों के किसी बीमार को, हसरतों के किसी बीमार को कुछ तो लिखो। हसरतों के किसी बीमार को कुछ तो लिखो, तुमको आ जाएगा कांटे को गुले तर लिखना। बहुत अच्छे, तुमको आ जाएगा कांटे को गुले तर लिखना। और शेर मुलाहिज़ा कीजिए कि गैरत इश्क ये कहती है कलम को तोड़ो। गैरत इश्क ये कहती है कलम को तोड़ो, दिल ये कहता है सितम उसके मुकर्रर लिखना। दिल ये कहता है सितम उसके मुकर्रर लिखना, और देखने वालों सलीका मेरी तहरीर का है। देखने वालों सलीका मेरी तहरीर का है, एक जर्रे को चमकता हुआ अख्तर लिखना। बहुत अच्छे, एक जर्रे को चमकता हुआ अख्तर लिखना। और इत्तफाकात हैं दामन से मेरे फूल गिरे। इत्तफाकात हैं दामन से मेरे फूल गिरे, कोई आंसू तो नहीं जिसको समंदर लिखना। बहुत अच्छे, कोई आंसू तो नहीं जिसको समंदर लिखना। और मख्तार ज़ैक, अपने अहबाब ये कहने लगे कैसर हमसे। अपने अहबाब ये कहने लगे कैसर हमसे, खत हमें मंजिल मकसूद पे जाकर लिखना। बहुत अच्छे, क्योंकि उस दौर में न फोन थे और न कोई, तो खत ही होता था। तो यानी ये गज़ल को हम कदीम गज़ल कह सकते हैं। ये मेरी पहले शेरी मजमू से इंतखाब है कि अपने अहबाब ये कहने लगे कैसर हमसे, बहुत अच्छे, खत हमें मंजिल मकसूद पे जाकर लिखना। क्या कहने, खूबसूरत। मैंने ये अजरा मजाक आपसे कहा था कदीम गजल का, खुदा ना खास था। ये है भी पहले शेरी मजमूए से इंतखाब है, हिंसों के दरमियान से। लेकिन देखें ना, शायरी यही है कि आज हम इसे सुन रहे हैं तो आज हम माजी में खो रहे हैं कि उस वक्त ये टेलीफोनिक रबते नहीं थे, और खत लिखना और तार भेजना और ये सारे गोया ये एक तारीखी मंजरनामा। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे। और कुछ अता कीजिए सर। नाज़िर इकराम, राना महमूद कैसर हमारे साथ मौजूद हैं, खूबसूरत कलाम आपकी समातों तक मुंतकिल कर रहे हैं। हम इनसे दरख्वास्त गुजार हैं कि कुछ और कलाम बतौर तबर्रुक आपकी समातों और हमारी समात तक मुंतकिल करें। जी वजी साहब, मतला अर्ज के मैं भी है, मैं भी है बदनाम सारा मैं कदा बदनाम है। वाह, मैं भी है बदनाम सारा मैं कदा बदनाम है, आज रिंदों की खराबी का यही इनाम है। बहुत अच्छे, आज रिंदों की खराबी का यही इनाम है, चश्मे साकी में कहाँ कोई छिलकता जाम है। चश्मे साकी में कहाँ कोई
अच्छा लगता जाम है, मैं कदे में एक मैकश ही फकत बदनाम है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और शेर मुलायजा हो के रहनुमा की रहनुमाई से भटक जाता हूँ मैं। वाह। रहनुमा की रहनुमाई से भटक जाता हूँ मैं, दिल की मंजिल से फलक का फासला दो गाम है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और मेरे अहवाले खुदी की या इलाही खैर हो। आहा। मेरे अहवाले खुदी की या इलाही खैर हो, आजकल अहबाब के होंठों पे मेरा नाम है। नाम है। आजकल अहबाब के होंठों पे मेरा नाम है, और फुरकते जाना में मेरे घर का आलम देखिए। वाह। फुरकते जाना में मेरे घर का आलम देखिए, रौनके शामो सहर अब तो बराए नाम है। बहुत। रौनके शामो सहर अब तो बराए नाम है, और मेरी किस्मत में अजल से है वफा की रोशनी। वाह। मेरी किस्मत में अजल से है वफा की रोशनी। मेरे दिल का काम है तेरी नजर का काम है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मेरी किस्मत में अजल से है वफा की रोशनी, और मेरे दिल का काम है तेरी नजर का नाम है, और लाख वादा कीजिए लेकिन है ये मुझको खबर। वाह वाह। लाख वादा कीजिए लेकिन है ये मुझको खबर, आपका आना मेरे घर पर ख्याल खाम है। वाह 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 वाह। और इसमें मख्तर्ज है कि आज तो कैसर तबस्सुम का अजब अंदाज है। आज तो कैसर तबस्सुम का अजब अंदाज है, उसकी नजरों में मोहब्बत का नया पैगाम है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। उसकी नजरों में मोहब्बत का नया पैगाम। बहुत अच्छे। राणा साहब आप हमारे साथ मौजूद हैं, आप खूबसूरत कलाम पेश कर रहे हैं, आपकी इजाज़त से हमें एक वक्फे पर जा रहे हैं। वक्फे से दोबारा हाजिर होकर आपसे शरफ़ गुफ्तगु हासिल करते हैं और आपका कलाम समाप्त करते हैं। नाज़रीन कराम, राणा महमूद कैसर खूबसूरत गुफ्तगु आपकी समातों तक मुंतकिल कर रहे हैं, खूबसूरत शेरी कलाम आपकी समातों तक मुंतकिल कर रहे हैं। आप कहीं जाइएगा मत, हम एक वक्फे पर जा रहे हैं। वक्फे से दोबारा हाजिर होकर राणा साहब से यूं ही इनका खूबसूरत कलाम समाप्त करते हैं। नाज़रीन कराम, हम वक्फे से दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हो चुके हैं। हमारे साथ राणा खालिद महमूद कैसर साहब मौजूद हैं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम बज़्मे शायरी। खूबसूरत कलाम वक्फे पर जाने से कबल आपकी समातों तक मुंतकिल कर रहे थे। हम राणा साहब से फिर दरख्वास्त गुजार होते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी, अपनी कुतुब के ताल्लुक से भी कुछ रोशनी डालें और इख्तिताम में प्रोग्राम पर इनसे कलाम भी समाप्त करेंगे। राणा साहब, जैसा कि आपने खूबसूरत इब्तदा में पेश किया, अर्ज़ किया कि ये जो 10 किताबें आ चुकी हैं जिसमें 4 शेरी मजमूए हैं, 4 नसरी किताब हैं जिसमें एक मेरा एमफिल का मकाला भी शामिल है। अच्छा। और 2 तज़किरे थे। सबसे पहले जो किताब शाया हुई थी वो अज़फ़र कौन है, अज़फ़र साहब और उनके तलामज़ा पे एक किताब थी वो। अच्छा, माशाल्लाह। अब अल्हम्दुलिल्लाह 3 किताबें और इंशाल्लाह आ रही हैं, और ये मेरा जो एमफिल था जी जी, उसका जो मकाला, मेरा जो उन्वान था वो हसन हमीदी अहवाल व आसार बहवाला तरक्की पसंद तहरीक। वाह। तो वो एक ऐसे शायर थे अपने अहद के, बहुत मोतबर नाम था, लेकिन चूंकि वो तरक्की पसंदियत के हवाले से था इसलिए वो मादूम होती जा रही थी चीज़, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह इस रिसर्च के थ्रू वो मंजरे आम पे एक मार फिर नाम जिंदा। बहुत अच्छी। अच्छा कैसर भाई, मैं अज़रे मजाक एक बात कहना चाह रहा हूँ, अगर नागवार ना गुजरे और आप मुझे इजाज़त दीजिए, तो जो हालात हम देख रहे हैं मकाला लिखने का और थीसिस और PhD, तो इसमें बेशतर जो ताज़ाकार लोग हैं हमारे इर्द गिर्द, आप भी उनसे वाकिफ़ हैं, मैं भी, तो उनकी ख्वाहिशात में फरोगे इल्म तो कहीं दूर तक दिखाई नहीं देता, लेकिन ये ज़रूर दिखाई देता है कि PhD के बाद उनके नाम के साथ डॉक्टर लगना शुरू हो जाएगा। तो आपकी ख्वाहिशात में तो कहीं ये शामिल नहीं है कि बज़्मे शायरी में आप दोबारा आएँ तो डॉक्टर राणा महमूद कैसर हों? गुजारिश ये है कि मैं चूँकि 34 साल बैंक में मुलाजिम रहा माशाल्लाह, और उस बैंक की मुलाजमत के साथ साथ मैंने अदब नवाजी से जुड़ा रहा मैं। बहुत अच्छे। और मेरा जो सबसे अहम शौक़ है वो मुताले का है। वाह। और जो मुताले का पहले सुने फिर उसको समझे तो ही लिखने के काबिल होगा या बोलने के काबिल होगा, तो मेरा शौक़ यही रहा है कि मैं मुताला करूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जब एमफिल किया तो
मैं मुतमईन हूँ उससे अपनी रिसर्च से माशाल्लाह। और अब मैं तहकीक का ही तालिब इल्म हूँ। मेरा मौजू सिंध में उर्दू गज़ल है, सियासी और अदबी रुझानात 1971 ता 21वीं सदी। बहुत अच्छे। उसमें शहर शहर मुझे जाना पड़ रहा है, लाइब्रेरीज़ में मैं जाता हूँ, और मेरी कोशिश ये है कि इंशाल्लाह एक जो मेरी तहकीक होगी वो एक तारीखी दस्तावेज़ होगी उर्दू गज़ल के हवाले से सिंध। बेशक, और उससे एक नस्ल इस्तेफादा करेगी। बिल्कुल, वो एक दस्तावेज़ होगी इंशाल्लाह। बहुत माशाल्लाह। तो ये कहना कि सिर्फ नाम के साथ डॉक्टर लगवाना, मेरे अल्हम्दुलिल्लाह दो बच्चियां मेरी डॉक्टर हैं माशाल्लाह, मेरे घर में मेरा भाई डॉक्टर है, तो डॉक्टर तो हम सारे ही हैं। बिल्कुल। तो अगर जिंदगी सलामती रही तो मैंने पेशगी इसलिए माजरत तलब की थी कि अज़रे मजाक, दरअसल ये जुमले मैं उन समातों तक मुंतकिल करना चाहता था कि जिनकी ख्वाहिशात ही हैं कि यार वो फला से थीसिस करवा लिया, फला से कर, आपके सामने ही है शहर की। अब उम्र के उस हिस्से में हूँ, बैंक से रिटायर हो चुका हूँ 60 साल की उम्र से, और न तो मुझे कोई इसका शौक है कि मैं कोई कहीं प्रोफेसर लगूंगा या मैं तो अदब की खिदमत के लिए और अपने आप को वक्फ कर रखा है। और आप कर रहे हैं और इसमें कोई शक नहीं है, किसी तरह का कोई शक व शुबा नहीं है। और मैंने जैसा कि आगाज़ में आपके ताल्लुक से, आपसे मोहब्बत करने वाले हज़ारों लाखों अहबाब की समातों तक ये बात पहुँचाई कि कुछ लोग शहर में ऐसे हैं कि जिनका मसला हरगिज़ अपनी शोहरत, अपनी पब्लिसिटी, अपना प्रचार नहीं है, बल्कि वो आने वाली नस्ल के लिए काम कर रहे हैं। और इसमें आप सरे फहरिस्त हैं और हम आपको मुबारकबाद पेश करते हैं, और हम आपको ये यकीन दिलाते हैं कि आप हमारे मुल्क के लिए, हमारी ज़बान के लिए काबिल फ़ख्र हैं, और हमें इस पर फ़ख्र है। तो गज़ल साहब, मैं यूँ जानना चाहता हूँ, अभी जैसा कि आपने अर्ज़ किया कि कुछ ही अरसे में आपकी 3 कुतुब और शाया होने वाली हैं, तो वो शायरी के ताल्लुक से हैं। दो शेरी कुतुब हैं, एक नसरी है, उसमें असरी अदब और तनकीदी रवैये नसर है, और परकार जो शेरी मजमुआ है वो एक बहर में 100 गज़लें हैं। अच्छा। और एक मौसम के नाम से शेरी मजमुआ है जिसमें गज़लिया मजमुआ। अच्छा, इंशाल्लाह वो सब अक्टूबर में इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। और हम ये भी चाहेंगे कि आपकी जो कुतुब है, और बहुत सी कुतुब हैं, और हम ये चाहेंगे कि इन पर हम भी कुछ काम करें, अपने हिस्से का काम, और इस पर हम कोई शॉर्ट स्टोरी, कोई डॉक्यूमेंट्री और इनकी तफसील से आगाह करें लोगों को। तो राणा साहब, अगर नागवान ना गुजरे सर, तो जब आपसे गुफ्तगू होती है तो आपकी गुफ्तगू के सहर में मुब्तला हो जाते हैं, और फिर अचानक ख्याल आता है कि यार आपसे अशार समात किए जाएं, तो हम एक बार और दरख्वास्त गुजार हैं कि कुछ कलाम अता कीजिए। गज़ल का मतलब अर्ज है कि खुद को मुझ में, मुझ को खुद में, खुद को मुझ में, खुद में इस तरह ज़म कीजिए, खुद को मुझ में, मुझ को खुद में इस तरह ज़म कीजिए, फूल मुझ को कीजिए और खुद को शबनम कीजिए। बहुत अच्छे साहब। खुद को मुझ में, मुझ को खुद में इस तरह ज़म कीजिए, फूल मुझ को कीजिए और खुद को शबनम कीजिए, और देख लें पीरे फलक के और तेवर देख लें। वाह। देख लें पीरे फलक के और तेवर देख लें, नस्ब फिर ऊंचाई पर उल्फत का परचम कीजिए। क्या कहने, नस्ब फिर ऊंचाई पर उल्फत का परचम कीजिए, मैं कदे वालों को वाकिफ कीजिए आदाब से। वाह। मैं कदे वालों को वाकिफ कीजिए आदाब से, होश में आने का मेरे आप मत गम कीजिए, होश में आने का मेरे आप मत गम कीजिए, और तोल कर देखें मोहब्बत के तराजू में वफा। क्या कहने, क्या तोल कहने? कर देखें मोहब्बत के तराजू में वफा, आपसे किसने कहा जोर कुछ कम कीजिए। बहुत अच्छे। मैं कहां आदम कहां, कूचा कहां, जन्नत कहां। क्या कहने, क्या कहने? मैं कहां आदम कहां, कूचा कहां, जन्नत कहां, मेरा मकसद ये नहीं तोहीन आदम कीजिए। बहुत अच्छे। मेरा मकसद ये नहीं तोहीन आदम कीजिए, और सब्ज़ाए गुलशन पे रोने दीजिए बुलबुल को आज। नाला फरियाद की इजाज़त होनी चाहिए कि सब्ज़ाए गुलशन पे रोने दीजिए बुलबुल को आज, कतराए शबनम से गुलशन को नम, कतराए गुलशन,
कतराए शबनम से गुलशन को न महरम कीजिए, और करबला हो या आजादारी की कोई बज्म हो, करबला हो या आजादारी की कोई बज्म हो, सीनाए वीरां को वक्फे दस्ते मातम कीजिए। बहुत अच्छे, बहुत सीनाए वीरां को, बहुत अच्छे सीनाए वीरां को वक्फे दस्ते मातम कीजिए। वीरां का क्या खूबसूरत इस्तेमाल किया। करबला हो या आजादारी की कोई बज्म हो, सीनाए वीरां को वक्फे दस्ते मातम कीजिए। याद करके रोजाए शाहे रोजा याद करके रोजाए शाहे शहीदा को सदा, दिल ही दिल में रोइए और आंख पुरनम कीजिए। क्या कहने, क्या कहने। याद करके रोजाए शाहे शहीदा को सदा, दिल ही दिल में रोइए और आंख पुरनम कीजिए। और मख्तार जी कहे, किसका दिल किसका नहीं ये फैसला कैसर करें, किसका दिल किसका नहीं ये फैसला कैसर करें, आज तो इंसाफ का मायार कायम कीजिए। बहुत अच्छे, और बहुत खुद अच्छे। को मुझ में, मुझको खुद में इस तरह जम कीजिए, फूल मुझको कीजिए और खुद को शबनम कीजिए। बहुत अच्छे कैसर भाई, बहुत अच्छे, बहुत शुक्रिया। आप बज़्म शायरी में तशरीफ़ लाए, और जो आपकी कुतुब की तादाद हैं, हम आपसे दरख्वास्त गुजार हैं कि आइंदा भी हम चाहेंगे कि आप बज़्म शायरी का हिस्सा बने। और प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचता है। कैसर भाई, एक बार आपका और बहुत शुक्रिया। और इख्तिताम से कबल मैं ये चाहूँगा कि आप नौजवान नस्ल को, हम असर शौरा को और अपने सीनियर शौरा को कोई मैसेज देना चाहें तो ये कैमरा आपके सामने मौजूद है। सीनियर शौरा से दरख्वास्त है कि वो हम जैसे तिफल मकतब शौरा या शगफ रखने वालों की तरबियत फरमाएँ, और अगर कोई झोल सकम है तो उसकी निशानदही करें। और हमारा भी फ़र्ज़ है कि हम अपने हम असरों को उन असनाफ से रोशनास कराएं, उस जो इल्म हमारे पास है हम उसकी तहसील करें, हम लोगों को बताएं, और बजाय तनकीद करने के या कोई जुमला कसने के उनकी तरबियत करें और उनको सहारा दें। मैं मशकूर हूं वजदी साहब आपका, आपके सीईओ शेख साहब का, और मेट्रो चैनल की पूरी टीम का कि आपने यहाँ मुझे मधु किया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया नवादिश इनायत। बहुत शुक्रिया राना साहब, बहुत शुक्रिया। खूबसूरत गुफ्तगू फरमा रहे थे राना महमूद कैसर साहब, खूबसूरत शेरी कलाम आपकी समातों तक मुंतकिल किया, खूबसूरत पैगाम आपकी समातों तक मुंतकिल किया। नाज़रीन करम, प्रोग्राम अपने अख्तिताम को पहुँचता है। अपने मेज़बान कैसर वजदी को इजाज़त दीजिए, आइंदा एक नए मेहमान के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।